पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले मूर्ति रखवाने वाले वहाँ हैं, राजीव जी वहाँ ताला खुलवाने वाले हैं, और ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि राम मंदिर वहाँ बन गया, तो भाजपा कह रही है कि हम बना दिए। तो अगर भाजपा इस बात का स्वीकार कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, तो क्या वो स्वीकार कर रही है कि इस देश में जितने भी किसान आत्महत्या किया उसका जिम्मेवार भाजपा है? ऐसे कायर लोग ही क्या करेंगे, जिनको गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को कांग्रेस 5-5 बार सांसद रखी, वो ऐसे लोग चलेगा? एक ही उद्देश्य है, वो हिटलर का था ना, कि हमारे विरोध में कोई नहीं, हम मेरे अलावा कोई नहीं, बस इनका वही नियम। से आजाद हुआ है, आज तक कभी नेट के परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो भी सपना पूरा हो गया भाजपा का। आप बीपीएससी का 3 टायर का परीक्षा देख लीजिए, शिक्षक बहाली का, उसका भी पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का देख लीजिए तो उसका भी पेपर लीक हो गया, बिहार पुलिस का भी पेपर लीक हो गया। तो आप ये बात बताइए कि कैसे लोग कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास आपको भी दिला रहे हैं और पूरे बिहार की जनता के सहित पूरे भारत की जनता को कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जनता इस बात को अब समझ गई है, और बिहार की जनता, और भाजपा कह रही है कि 400 बार, और हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि भाजपा अब की बार तारीफ। वो देख लीजिए हर जगह, वो सीतामढ़ी में आए तो सीता मैया की जय कर रहे हैं, और इलाहाबाद में गए तो मुसलमानों के समर्थन में बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अडानी को पैसा दे रहे हैं, लोन उनको दे रहे हैं, सरकारी संपत्ति भी उसी को दे रहे हैं, और फिर लोन भी बाद में माफ कर दे रहे हैं। अभी आप जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 5 फेज का चुनाव हो चुका है, 100 सीटें बची है 6ठे और 7वें फेज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोतिहारी में थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि एसटीएससी रिजर्वेशन को खत्म करके जिहादियों को दे दिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग सोने का चमचा या चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए वो क्या जानेंगे गरीबी क्या। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आ जाएगी तो गरीबी आ जाएगी, जैसा कि 2014 के बाद से मतलब सबको पेट्रोल 60 रुपये मिल रहा हो, 35 का मिल रहा हो, या राशन जो है सस्ता हो गया हो, या सिलेंडर किसी को 400 या 350 रुपये में मिल रहा होगा। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कर रहे हैं और लगातार हिंदू मुस्लिम का ही बात करते हैं। आपका सुंदरम पाठक, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता। अच्छा, तो सुंदरम जी ब्राह्मण है आप, पूरे देश भर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो लगातार जिहादी और हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग किन क्या उन बातों से नाराज है या चाहते हैं कि परिवर्तन हो? देखिए, भाजपा जो है चुनाव के जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप इससे पहले देखे होंगे कि आपको पता होगा कि आज़ादी के समय में अशफाकुल्ला खान, उनके साथ क्या कहते हैं भगत सिंह, पांडे जी जो थे, हाँ, उन लोगों का साथ चलता था, मंगल पांडे थे, हाँ, तो उन लोगों का साथ चलता था। और जब तक देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगर सब के सब लोग एक साथ रहेंगे तब तभी देश अच्छे से चलेगा। आज आपके सामने में देख लीजिए आप, हाँ, जो वर्तमान हालात है इसमें, हाँ, भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है और वहीं अडानी अंबानी के समर्थन में जा रही है। आप बताइए कि किसी भी गरीब लोगों का, एक भी ऐसे गरीब लोग बता दीजिए जिनका लोन माफ किए हों, एक का भी नहीं किए हैं। जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसा मिला है अडानी अंबानी की तरफ। देखिए, वो राहुल गांधी जी उनको कहे ना कि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो भेज रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि किसी भी चीज, मान लीजिए ये मेरी घड़ी है, हम किन्हीं को पैसा दे दें और वो घड़ी भी उनके हाथ बेच दें, और फिर बाद में हम कहें कि आप हमारा पैसा भी रिटर्न नहीं कीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा? जो भाजपा कर रही है, अभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अडानी को पैसा दे रहे हैं, लोन उनको दे रहे हैं, सरकारी संपत्ति भी उसी को दे रहे हैं, और फिर लोन भी बाद में माफ कर दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, BSNL का 16 लाख से ऊपर टावर था पूरे यहाँ हिंदुस्तान में, और एक भी जियो का टावर नहीं है, एक भी जियो का टावर नहीं है, लेकिन हर जगह जियो का नेटवर्क पकड़ रहा है। BSNL कमजोर हो गया और जियो फास्ट चल रहा है। तो इससे आप देख लीजिए कि भाजपा जो है सरकारी संपत्तियों को अपने मित्रों के पास भेजना चाह रही है, बस इसी के लिए लोगों के आगे में किसी भी प्रकार से। हमारे देश के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब बावला हो जाते हैं किसी जाति प्रकार की बातों को लेकर, इसके लिए भाजपा ये कमजोरी पकड़ ली है लोगों का, इसके लिए भाजपा हिंदू मुसलमान का एक बढ़िया जरिया पकड़ लिए हैं। आप ही से हम एक बात कह रहे हैं, कोई नेता हो वो चाहेगा कि 80% अगर हिंदू है और 20% मुसलमान है तो चाहेगा कि मुसलमान की तरफ बोलना? कोई नेता चाहता है कि हम चुनाव हार जाएं? ये भाजपा एक एजेंडा चला देती है कि हिंदू मुसलमान, जिसके कारण वहाँ के लोग किसी भी हाल में आ जाएं और भाजपा की तरफ चले जाएं। बस वो देख लीजिए हर जगह, वो सीतामढ़ी में आए तो सीता मैया की जय कर रहे हैं, और इलाहाबाद में गए तो मुसलमानों के समर्थन में बोल रहे हैं। तो उनका ये है कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ उस हिसाब की भाषा में बोलेंगे, ऐसा उनका कुछ नहीं है कि जो वो मुसलमान के लिए और हिंदुस्तान के लिए। एक बात इस देश के सब लोग समझ ले कि अगर आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमान के साथ हम ये करेंगे, तो ये आगे चुनौती है कि आपके साथ भी हम करेंगे। आप देख लीजिए, शाहीन बाग वाला मैटर हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि महिला पहलवानों के साथ हुआ और उसको उसके बेटे को टिकट दिया गया है। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, हर आदमी का बारी बारी नंबर आता है। अच्छा, तो ये 400 पार की बात कर रहे हैं और बिहार में 40 की 40 पार की बात कर रहे हैं। देखिए, भाजपा
जो भाजपा का अब ये दौर खत्म हो गया है। कांच का हारी को आप कितना, मेरे एक गांव में कहावत है कि कांच की हारी को आप कब तक आग पे चढ़ाएंगे। जो लोग, भारत की जनता इस बात को अब समझ गई है, और बिहार की जनता, और भाजपा कह रही है कि 400 पार, और हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि भाजपा अब की बार तरी पार, भाजपा का इस बार सत्ता से बेदखल होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार जून में बनेगी और जुलाई से आपको हर महीने 8,500 रुपए खटा खटाने शुरू हो जाएंगे। तो कांग्रेस के लोग क्या इस बात से आश्वस्त बस्त है कि हम 8,500 रुपए देने जा रहे हैं गरीबों को? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के ही लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग के अंदर ये खुशी है। क्योंकि आप देख लीजिए ना कि भाजपा कहे कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए, क्या दरभंगा में बन गया एम्स? पूर्णिया में बोले कि हम एयरपोर्ट बना देंगे, एयरपोर्ट बन गया? नहीं बना। लेकिन आप देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार जब जब थी, जहां जहां कांग्रेस ने कहा तमिलनाडु में कि हम, कर्नाटक में जो हमने वहां के लोगों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का किया ना कांग्रेस ने माफ, सिलेंडर उन्होंने बोला कि 450 में देंगे, तो दे रही है कांग्रेस की सरकार। तो लोग इस बात से खुशी हैं, और इस बात का हम भी विश्वास आपको भी दिला रहे हैं और पूरे बिहार की जनता के सहित पूरे भारत की जनता को कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 सीट जो लगातार चुनाव चल रहा था, तो शुरू में लग रहा था कि मोदी जी का हो रहा है और कांग्रेस क्लीन स्वीप कर जाएगी, मगर अब लग रहा है ऐसा कि लड़ाई है। तो राहुल गांधी के भाषण कितना युवा समझ रहा है और कितना उन भाषणों पर यकीन जता रहे? देखिए, यकीन आपके नज़रों में है और लोगों के नज़र में है कि बिहार में ही आप एक हम उदाहरण दे रहे हैं, जो 17 साल की भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार थी, एक भी वैकेंसियां नहीं आई, न नौकरियां मिली, वहीं 17 महीने की सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो आप देख लीजिए कि 5 लाख के लगभग लोगों को रोजगार दिया गया। तो ये एक विश्वास है लोगों के अंदर कि अगर इंडिया गठबंधन आएगी तो हमें रोजगार मिलेगा। आप वहीं पे देख लीजिए, जस्ट सरकार बदला, आज तक भारत जब से आज़ाद हुआ है आज तक कभी नेट के परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो भी सपना पूरा हो गया भाजपा का। अब बीपीएससी का 3 टायर का परीक्षा देख लीजिए, शिक्षक वाले का, उसका भी पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का देख लीजिए तो उसका भी पेपर लीक हो गया, बिहार पुलिस का भी पेपर लीक हो गया। तो आप ये बात बताइए कि कैसे लोग कैसे विश्वास करेंगे इन पर? इनके आपके हिसाब से कितना आ रहा है इनका? 400 पार तो ये कह रहे हैं, मगर आपके हिसाब से कितना है? भाजपा 200 के नीचे इस बार रहेगी। अच्छा, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस की पूरी अच्छी सी सरकार बनेगी। आप ही से हम पूछ रहे हैं कि एक बात बताइए, सरकार इस देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए 300 सीट काफी है, इस देश में महंगाई कम करने के लिए 300 सीट काफी है, तो उनको 400 सीट क्यों चाहिए? मतलब संविधान बदलना चाह रहे हैं, संविधान की, संविधान को ही आहत है। और आप देख लीजिएगा कि वो 400 सीट नहीं करें, वो उनके कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो पेट्रोल डीजल हम 400 पार करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी ठीक है इन दिनों? राहुल गांधी बिल्कुल ठीक है, कल भी ठीक थे और आज भी ठीक है। तो अब ऐसा क्या निखार दिख रहा है कि नहीं अब ठीक हो रहा है, मामला चल रहा है ठीक है? अब नहीं, इससे पहले ही था। देखिए, अब एक होता है ना कि लोगों के अंदर, भाजपा को देख लीजिए आप एक सोशल साइट ही देख लीजिए कि फेसबुक ही अगर है, अगर आप मोदी के विपक्ष में फेसबुक पर अगर आप पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर ट्वीट कर रहे हैं, तो आपकी आईडी का रीच घट जाएगा। ये 100% है, क्योंकि हमारा जो, हम खुद का बता रहे हैं कि हमारे पहले जब हम 2019 में छात्र संघ का चुनाव लड़े हुए थे और जीते हुए थे यहां से, तो हमारा फेसबुक का रीच किसी भी प्रकार का पोस्ट कर दें तो 300-350 लाइक मिनिमम आ जाता था मेरे फेसबुक पर, लेकिन इन दिनों 10-15 लाइक पहुंचना मुश्किल हो चुका है। तो ये एक सोशल साइट के तहत हर चीज़ में इनकी आदत है कि इनका एक ही उद्देश्य है, वो हिटलर का था ना कि हमारे विरोध में कोई नहीं, हम मेरे अलावा कोई नहीं, बस इनका वही नियम है। अच्छा, अभी जो है राधिका केरा, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, ये तीनों जो है दिग्गज जो है इससे, मतलब के ये थे या आप लोगों के स्पोक पर्सन, वो तमाम लोग जब छोड़ के गए, राधा गोपाल कृष्णन भी थे उसमें प्रमोद, तो वो लोग जब छोड़ के गए तो उन्होंने कहा कि राम जी का दर्शन करने के लिए हमको कांग्रेस ने रोक लिया, इसलिए हम लोग जो है कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। देखिए, बहाना किसी भी प्रकार की होता है, और आपने देखा होगा अशोक गहलोत जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का एक स्टेटमेंट जिसमें लोग कहा जा रहा है कि जो लोग चले गए कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। अब मान लीजिए कि वैसे कायर लोग ही क्या करेंगे, जिनको गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को कांग्रेस 5-5 बार सांसद रखी, वैसे लोग चले गए। अभी बिहार में देख लीजिए अनिल शर्मा को, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, सांसद बनाया गया, राज्यसभा सांसद बनाया गया, मंत्री बनाया गया, वैसे लोग अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उनके लिए कोई जगह नहीं। और जब पेड़ का नया पत्ता निकलता है ना, तो पतझड़ का समय आता है, पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते उगते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग चले गए तो कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपने फायदा के लिए गए हैं और वो अभी कुछ भी कह सकते हैं। और एक बात बताइए, यहाँ पे सीतामढ़ी में जानकी मंदिर है, एक से एक धर्म स्थल है, बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, कहीं भी किसी भी लोगों को जाने के लिए आमंत्रण नहीं दिया जाता है। ऐसा क्या है कि भाजपा क्यों देगी राम मंदिर में आमंत्रण? और भाजपा और पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले मूर्ति रखवाने वाले वहां हैं, राजीव जी वहां ताला खुलवाने वाले हैं, और ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि राम मंदिर वहां बन गया,
तो भाजपा कह रही है कि हम बना दिए। तो अगर भाजपा इस बात का स्वीकार कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, तो क्या वो स्वीकार कर रही है कि इस देश में जितने भी किसान आत्महत्या किया उसका जिम्मेवार भाजपा है? क्या वो इस बात का सबूत और इस बात को वो लेंगे रिस्पॉन्स कि जितने भी छात्र नौजवान अपनी आत्महत्या किए हैं उसका जिम्मेवार भाजपा लेगी? क्या भाजपा ले सकती? तो भाजपा कहेगी नहीं, जो सही हुआ वो हम लेंगे। अभी देख लीजिए, भाजपा जो है मौत का सौदागर बना दी है ना, किस तरीके से लोगों के मन में ये भर दिया कि अगर आप कोरोना का टीकाकरण नहीं लीजिएगा तो आप मर जाइएगा, थाली बजवाया, जो उसको नहीं करना चाहिए सब कुछ करवा लिया इस देश के लोगों के लिए। और आप बाद में देख लीजिए कि आज जैसे ही कोरोना का जो वैक्सीन का नाम ये आया है कि उसमें जो किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक बढ़ रहा है, तो उसमें से उनके सोशल साइड इतनी ताकतवर है कि उनका मोदी जी का फोटो हटा लिया। मतलब अच्छा उनका, खराब किसी और का। अच्छा हो तो मोदी जी हैं, खराब हो गया तो कांग्रेस करके गए हैं। वर्तमान स्थिति पे आप भाजपा के लोग से बात कीजिए, वो सीधे चले जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, तो उनका कोई बात का वजूद ही नहीं है। किसी भी तरीके से वो सत्ता में आना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम सत्ता में आ जाएं, बस उनका यही। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।